एक अगरबत्ती कंपनी के एरिया मैनेजर है ये, और सिलीगुड़ी शहर में इन्हें पैडमैन के नाम से पुकारा जाता है। पैडमैन नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि आज तक इन्होंने सिलीगुड़ी नदिया इलाके में भी और बहुत सारे संलग्न इलाकों में भी, पेट्रोल पंप इलाकों में भी सैनिटरी पैड के बॉक्स लगाए हैं, महिलाओं को जागरूक भी किया है। और हम सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में अगर बताएं तो इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है और इन्हें ये सम्मान दिया गया है। इनका नाम है बिल्टू चौधरी और आज हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो पे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम बिल्टू चौधरी है, मैं सिलीगुड़ी में अभी रहता हूँ। मैं प्रोफेशनली एक अगरबत्ती कंपनी के एरिया मैनेजर हूँ और इस सिलीगुड़ी शहर में जितना लेडीज़ टॉयलेट है, मैक्सिमम लेडीज़ टॉयलेट में फ्री सैनिटरी पैड बॉक्स का सेटअप हमने किया है, जहाँ पर लेडीज़ लोगों को ज़रूरत होने से एक पीस कर फ्री सैनिटरी पैड बॉक्स उधर से ले सकते हैं। तो आज की इस खास बातचीत में बिल्टू दा के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, जो कि सिलीगुड़ी के पैडमैन हैं। कब से इनकी जर्नी शुरू हुई और कैसे इन्होंने इस सफ़र तक को तय किया है और इतनी सारी उपलब्धियां जो है इनको मिली हैं और क्या कुछ उतार चढ़ाव रहा है इनकी ज़िंदगी में। तथा सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक ख्याल होता है कि आप अपने लेवल से हट के एक एक्सट्रीम लेवल पर जब आप काम करती है या फिर ऐसी कोई सोच विचार जब आप रखते हैं, तो कहाँ से ये शुरू हुआ? मैंने जब मार्केटिंग प्रोफेशन में स्टार्ट किया तो तब मेरे साथ साथ बहुत सारा लड़की लोगों को अभी हम देखे हैं मार्केटिंग में, उन लोग जुड़ा है, वो भी मार्केटिंग का काम करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स काउंटर में CSP वगैरह और भी रिप्रेजेंटेटिव से लेकर बहुत सारा काम के साथ जुड़े हैं लड़की लोग जो बाहर से आकर मेन टाउन में काम करते हैं। तो पीओट्स के तो कुछ टाइमिंग नहीं रहता है, परफेक्टली इसी टाइम में पीओट्स होगा इसी टाइम में, तो इसके लिए क्या होता है, बहुत लड़की लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सोच मेरा मार्केटिंग प्रोफेशन में मैं जाया आया, इन लोगों को साथ काम करते करते इन लोगों का जो प्रॉब्लम है ये मैंने देखा है, तो उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट लेकिन नहीं कर पाया। उसके सात साल बाद हमने जब मैनेजर पोस्ट में अगरबत्ती कंपनी में ज्वाइन किया, तब मैंने सोचा कि ये काम करना चाहिए, तो मैं मेरा अपना उद्योग से ये काम स्टार्ट किया। लेकिन बाद में जाकर सिलीगुड़ी से बहुत लोग हमको सपोर्ट किया, सैनिटरी पैड देकर सपोर्ट किया, मेरा ऑफिस कॉलीग से लेकर मेरा दोस्त सिलीगुड़ी में, मेरा कुछ रिलेटिव्स, उन लोगों ने हमको सपोर्ट करने लग गया, तब हम धीरे धीरे ये फ्री सैनिटरी पैड बॉक्स लेडीज टॉयलेट में बैठाना का काम धीरे धीरे बढ़ाया। अभी नियर अबाउट 25 अबव लेडीज टॉयलेट में ऑलरेडी हमने फ्री सैनिटरी पैड बॉक्स सेटअप किया है, जहाँ से लोग लड़की लोगों को ज़रूरत पड़ने से वन पीस कर ले सकते हैं पैड। अच्छा, तो आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं कि आप हर महीने जाकर वहाँ पर उस बॉक्स में सैनिटरी पैड रखते हैं? ये जहाँ पर सैनिटरी पैड बॉक्स सेटअप करते हैं वहीं पर एक कागज़ हम लगा कर देते हैं, जहाँ पर लिखा रहते हैं कि ज़रूरत पड़ने से एक पैड इधर से यूज़ कर सकते हैं, और पैड ख़त्म होने से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं, तो हमें कॉल करने से वो पैड बॉक्स फिर से रिफिल कर देंगे। अच्छा। तो जहाँ पर ख़त्म हो जाने से वो फ़ोन करते हैं, फिर जाकर वीकली में संडे में मेनली मैं जाकर वो पैड बॉक्स रिफिल करने का काम करते हैं हमने। अच्छा, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि बहुत सारे पेट्रोल पंप में भी आपने इस तरीके से बॉक्स लगाए हैं, तो उसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, एक्चुअली सिलीगुड़ी टाउन में लेडीज़ टॉयलेट उतना ज़्यादा नहीं है, और जो लेडीज़ टॉयलेट अवेलेबल हर जगह में अवेलेबल नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप हर जगह में अवेलेबल है। नियर अबाउट 5 किलोमीटर्स के बाद पेट्रोल पंप रहता ही है, और हर पेट्रोल पंप में टॉयलेट रहते ही है, तो इसी के लिए मेरा सोच है कि हर पेट्रोल पंप का लेडीज़ टॉयलेट में अगर फ्री सैनिटरी पैड बॉक्स सेट करेंगे तो वहीं से भी लेडीज़ लोगों का ज़रूरत पड़ने से फ्री में सैनिटरी पैड ले सकते हैं। अच्छा, तो आज तो हम लोग बिल्टू दा से बहुत सारी बातचीत करेंगे, जानेंगे भी। एक पुरुष होने के नाते जब महिलाओं की इस फीलिंग्स को जब आप समझते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे समाज में आपको कुछ बातें सुनना पड़ा होगा या फिर कुछ कठिनाइयां सामने आई होगी,
कैसी कोई सिचुएशन अगर आप बताएं। हाँ, ऐसा तो होता है कि हमने जब स्टार्ट किया तो कुछ लोग ओल्ड एज लोग मतलब हम हमारा ये काम के बारे में उन लोग प्रोटेस्ट भी किए, हमको इंडिविजुअली बोला भी था तुम्हारा ये काम करने का क्या ज़रूरत है, ये सबके सामने बोलना नहीं चाहिए इसके बारे में, ये सब सुनता हूँ। लेकिन हमारे मैं फर्स्ट इसके बारे में मेरा वाइफ से डिस्कशन किया था तो मेरा वाइफ पॉजिटिवली इसका रिप्लाई दिया था, तो बोला इसका ज़रूरत 100% है, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी जो लोग हमें सिलीगुड़ी में जो लोग हमको सपोर्ट करते हैं उनका कॉन्फिडेंस के थ्रू मैं ये काम कंटिन्यू करता रहा है, अभी भी कर रहे हूँ। तो परिवार के भी सपोर्ट पूरी तरीके से थी, जिस तरीके से आप बता रहे कि आपकी वाइफ का सपोर्ट था। मेरा परिवार से लोग पूरा सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, मेरा ऑफिस कॉलीग, मेरा फ्रेंड्स, जो लोग हमारा एक्टिविटीज़ के बारे में जा रहे थे वो लोग पूरा सपोर्ट करते हैं हमारे ये काम के लिए। इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर हम बात कहें कि अभी तक आपको बहुत सारी उपलब्धियां जो है वो भी मिली, तो क्या कुछ मिली अगर उसके बारे में कुछ बताएं। ये जो काम जब हम स्टार्ट किया था तब हम ये नॉर्मली एक क्या करते थे, टॉयलेट में एक पैकेट फुल पैकेट रख कर चला आते थे, तब तो क्या होता है कि लोडी वो टॉयलेट के दायित्व में जो लोग रहते थे वो पूरा पैकेट किसी को अपना पसंदीदार किसी को दे देते थे। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, मिसयूज़ हो जाता है। और फिर मैं हमने जाकर सोचा कि इस पैकेट को खोल के हम सिंगल सिंगल पैकेट में रखेंगे तो और अच्छा होगा। तो अच्छा। इसमें क्या किया, तो फिर हम जब सिंगल सिंगल पैकेट रखना स्टार्ट किया तब देखा कि सिंगल पैकेट रखने से भी उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है। तो फिर लास्ट में जाकर हमको प्लानिंग आया, प्लान किया कि इसको अगर हम सिंगल सिंगल प्लास्टिक कवर पैकेट में रखकर अगर सिंगल सिंगल पैकेट कर बॉक्स में रखेंगे तब जाकर ये हाइजीन भी मेंटेन होगा और मिसयूज़ भी नहीं होगा। अच्छा। फिर हमने सिंगल सिंगल पैकेट कर बॉक्स में रखना स्टार्ट किया। अभी लोगों को जरूर लड़की लोगों को ज़रूरत होने से वहीं से सिंगल सिंगल पैकेट ले सकते हैं। तो ये जो पूरा चीज़ है वो आप अपने ही फंडिंग से कर रहे हैं, अपने ही अर्निंग से कर रहे हैं या फिर कोई समाज सेवा या फिर कुछ मिल रहा है आपको, कहीं से कोई सपोर्ट करते हैं? ये मेरा जो स्टार्टिंग है तो मैं अपना जो इनकम है उनसे बचा कर ये काम करते हैं। और जब ये काम के बारे में लोग जानना स्टार्ट किया तब सिलीगुड़ी से बहुत लोग ऐसा लोग हैं जो हमको पैड देकर सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के सपोर्ट के लिए हम ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं और कर पा रहे हैं। और मेरा कुछ फ्रेंड्स है, कुछ रिलेटिव्स है, उन लोग भी सपोर्ट करते हैं पैड देकर कि ये काम कंटिन्यू करने के लिए। जी, हम लोग जानते हैं कि आप बता भी रहे थे कि नदिया जिले में ही आपकी जन्म हुई है और वहाँ पर भी आप काम करते हैं, तो सिलीगुड़ी और सिर्फ नदिया जिले में ही करती है या फिर और भी कहीं भी करती है? अभी मैं तो सिलीगुड़ी में स्टार्ट किया ये फर्स्ट काम, उसके बाद हम नदिया में वेरी रिसेंट स्टार्ट किया और मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट किया वुमेन्स अवेयरनेस एंड हेल्पिंग हैंड्स, जिसके थ्रू हम नदिया और दार्जिलिंग दोनों डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरा जो प्लानिंग है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में सभी डिस्ट्रिक्ट में काम करने का प्लानिंग है। अच्छा, आने वाले फ्यूचर में आप क्या कुछ और करने का सोच रहे हैं अगर हम इसके? मेरा जो मेन लक्ष्य है वो है इंडिया के हर वुमेन्स के पास सही रेट में सैनिटरी पैड पहुँचाना। अभी पैड का जो रेट है वो रेट इतना हाई है, सभी लोग लेना नहीं पड़ सक, जिसका समर्थ नहीं होता है वो लोग खरीदना नहीं पाता है। तो अगर हम बात कहें कि कुछ सालों पहले ही जो अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी आई थी उसी से प्रेरित होकर के भी आप इस कदम में जा रहे हैं, अगर या फिर हम ये भी कहें कि जिस तरीके से उन्होंने एक मशीन लाया था भारत में, क्या कुछ ऐसी कोई परिकल्पना है आपके दिमाग में? मेरा तो एक यूनिट करने का प्लानिंग है जहाँ से सभी लड़की लोगों को हम सही रेट में दे सकते हैं, ये तो प्लानिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार का फिल्म देखकर ही हमने ये काम स्टार्ट किया, इस काम के ज़रूरत हमको फिलिंग हुआ था इससे भी 5-7 साल पहले जब हम काम स्टार्ट किया। अच्छा, तो लेकिन उस टाइम हम नहीं कर पाया। अक्षय कुमार का जो फिल्म है इसका बहुत सारा एडवांटेज मिला है, क्या है इसके बारे में हम इजीली अभी बात कर सकते हैं। जैसे इसके पहले पैडमैन सिनेमा के पहले हम लोग इस पैड के बारे में बात करना भी थोड़ा ये हिचकिचाहट होती थी, लेकिन अभी क्या होता है ये सिनेमा देखने के बाद अब लड़का लोग भी इसके बारे में बात करते हैं तो ये काम और भी ईजी हो गया हमारे लिए। बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी पैडमैन उससे पहले ही, लेकिन सिलीगुड़ी के बिल्टू चौधरी जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट के वो पैडमैन पहले से ही थे लेकिन प्रकाश में अभी जा करके वो आए हैं। जी,
अभी हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपकी नाम जो है वो आई है 2021 में और 2022 में शायद वो प्रकाशित होगी, हाँ, तो इसके बारे में जरा बताइए दादा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा वाइफ इसके लिए अप्लाई किया था, तो बाद में उधर से कॉल आया मेरे पास इनके आपका एक्टिविटीज़ और आपका काम के हम लोग को अच्छा लगा, तो इसके बारे में हम लोग को जानकारी दीजिए आप। तो हमने हमारा जो काम है, हमारा जो एक्टिविटीज़ है, इसके बारे में पूरा जानकारी उन लोग को दिया। फिर उन लोगों ने क्वारी करना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद एक कन्फर्मेशन मेल भी आया मेरे पास कि आपका ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम लोग सिलेक्ट किया है और आपका पूरा IPR जो पैक होता है वो आपका एड्रेस में हम लोग भेज रहे हैं। तो अच्छा। कुछ दिन पहले ही मेरा घर में आकर पहुंचा है और हमने ये जो उपलब्धि है, ये हम सभी लोग जो हम ये एक्टिविटीज़ ये काम करने के लिए सपोर्ट कर ले, हम उन लोग के सबके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दादा, आने वाले फ्यूचर की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप बता ही रहे कि महिलाओं को कम रेट में पैड उपलब्ध करवाने की आप सोच रहे हैं, मशीन बिठाने की कोई परिकल्पना है आपकी? हाँ, अभी तो फाइनेंशियल कंडीशन मेरा ऐसा नहीं है कि मैं एक मशीन बैठाकर ये काम कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट से अगर कोई कुछ ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि करने के लिए, तब हम जरूर ये काम आगे लेकर जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बनाएंगे और काम हमारा भी और इजी हो जाएगा। अच्छा दादा, अगर हम लोग ये बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट अभी तक मिली है या फिर अगर मिलेगा तो आप कैसे उसको देखेंगे? नहीं, अभी तक तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हमको सपोर्ट नहीं मिला है और पॉलिटिकल मेरा इसके मतलब कोई भी पॉलिटिकल के साथ मैं ये काम के मतलब ये जुड़वा नहीं हूँ मैं। अच्छा, जो हूँ अपना इंडिविजुअली मेरा काम है और मेरा जान पहचान वाला जो लोग है वो ही सपोर्ट करते हैं हमें इस कार्य में। तो बहुत सारी बातें जो हैं बिल्टू दा के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से आज इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं और भी बहुत सारी जानकारी जो है वो हमने आप तक पहुँचाई है। अगर इसी के साथ हम बातचीत करें कि जो माहवारी होती है, जो लड़कियां बात करने में या फिर आज के समय में बहुत सारे जो जैसे कि आप भी बता रहे कि लोग खुल गए हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस आप किस तरीके से फैलाते हैं? जो अवेयरनेस मेनली हो जो इंटीरियर वर्ल्ड है उधर जाकर हमने फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का बात बोलते हैं, क्योंकि अगर फ्री अवेयरनेस कैंप बोलने से लड़के लोग नहीं आते। ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि हमने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जगह में हम लोग अवेयरनेस कैंप करेंगे, आप लोग आओ, बोलने से ज़्यादातर लड़की लोग नहीं आता है। तो हमने क्या प्लानिंग किया कि फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लानिंग किया और उसके साथ साथ हम अवेयरनेस कैम्प करने का प्लान किया कि दोनों एक साथ होने से लड़की लोग भी आते हैं और हमारा काम भी इजी होता है। हम एक बार उसको फ्री में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और उसके साथ साथ उसको अवेयरनेस भी कर दिया कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, नहीं करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में जाकर और भी मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे कैंप में हम लोग उसको समझाने के लिए कोशिश करते हैं पूरा। अभी जो समाज की स्थिति आप देख रहे हैं, इस समाज की स्थिति को देखते हुए अगर लोगों तक मैसेज अगर हम कहें तो आप क्या देना चाहेंगे? समाज के लोगों को हम सब लोगों को यही बोलना चाहिए कि प्योर्स ऐसा कुछ नहीं है जो इसके बारे में बात करने के लिए जो शर्माते हैं, ये सबसे पहले ये हटाना चाहिए। सबके घर में कंफर्टेबली इसके बारे में बात करना चाहिए और जितना आगे जाएगा ये बात हम लोग इजीली कर पाएंगे प्योर्स के बारे में, इसके बारे में हेजिटेटेड फील नहीं करेंगे तो ये काम और ईजी हो जाएगा। और प्योर्स के बारे में पैड्स यूज़ करने के बारे में तब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि पैड्स खरीदने के टाइम भी हम लोग दुकान में जाकर बोलेंगे कागज में उसको मुड़ा कर देने के लिए, तो ये तो शर्म की बात है, हम लोग कागज मुड़ा कर ले रहे हैं, ये नहीं, इसको तो हमको मतलब अपना इज्जत से लेना चाहिए। तो ये डर सबसे पहले अपने अंदर से हटाना चाहिए हम लोगों को, ये हटने के बाद ही ये इसके बारे में और इजीली हम लोग बात कर पाएंगे। तो बिल्टू दा से बहुत सारी बातचीत हो ही रही है और सिलीगुड़ी की जब हम बात करते हैं तो ये काफ़ी चकचौंध वाली शहर है, तो यहाँ पर अगर हम बात कहें तो इस तरीके से कितने सारे बॉक्स आप लगाए हैं और कहाँ कहाँ पर लगाए हैं? सिलीगुड़ी में नियर अबाउट 25 अबव हमने बॉक्स लगाया है और ये सिलीगुड़ी गर्ल्स स्कूल में है, विधान मार्केट ऑटो स्टैंड में है, हांगकॉन्ग मार्केट के पास है, सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन में है, बस टर्मिनस में है, बस टर्मिनस के आगे पीछे जो टॉयलेट है उसमें भी है,
न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में है और भी बहुत सारा पेट्रोल पंप पे है सिलीगुड़ी में, सभी जगह पे आपने लगाया है। और इसके संलग्न इलाकों की अगर हम बात कहें, इसके आसपास एरिया में तो हम सैनिटरी पैड बॉक्स नहीं लगाया, लेकिन अवेयरनेस कैंप करने का हम स्टार्ट किया है। तो वहाँ पर भी कोई परिकल्पना है कि फ्यूचर में वहाँ पर भी इस तरीके से बॉक्सेस लगवाएंगे आप? नहीं, वही पर जो करना है तो उधर का मेन प्लानिंग यही है कि लड़की लोगों को मतलब सही जागरूक करना और साथ साथ सही वैल्यू में पैड उन कहाँ से मिलेगा, और इसके साथ साथ लड़की लोगों को भी इनकम सोर्स इस पैड के साथ साथ अगर हो जाएगा तो इसके बारे में हम प्लान कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप वो भी परिकल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर कुछ वैसा एक यूनिट बने तो महिलाओं को भी काम मिल सके? 100% उसमें ज़्यादातर 90% महिला को ही भी काम मिलेगा, मेरा यही प्लानिंग है। ये अगर हम ये जानना चाहते हैं कि आप सिर्फ अकेले काम करते हैं या फिर आपके साथ में भी कोई लोग जुड़ के काम करते हैं? इधर मेरा 15 लोगों का एक टीम है सिलीगुड़ी में, और नदिया डिस्ट्रिक्ट में भी एक टीम है 10-15 लोगों का। ये दोनों टीम अभी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे टीम भी बढ़ाने का प्लान है, और हम लोग को ये सैनिटरी पैड्स के साथ साथ और भी सोशल एक्टिविटीज़ भी हम लोग करते हैं, जैसे नीडी पीपल को फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम भी हम लोग ऑलरेडी किया है और भी कर रहे हैं अभी कंटिन्यू। बिल्कुल, तो आज बहुत सारी बातें जो हैं वो हमने की है, और दादा की सपोर्ट जो है, इनकी वाइफ सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनके पास में थी और पूरे फैमिली जो है वो भी है। हालांकि इस तरीके से जब आप अपने लेबल से बाहर जाके काम करते हैं तो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज जो सिलीगुड़ी के ही नहीं पूरे दार्जिलिंग ज़िले के जो एक पैड मैन है और सभी को इन पर गर्व है, और इनसे ऐसे एक शख्सियत से आज हमने आपको रूबरू करवाया है और बातचीत की है। आशा करते हैं कि आप आगे ऐसे ही इस काम को बरकरार रखेंगे और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आप ज़रूर, आपका नाम वहाँ पर भी दर्ज होगा। अब इसलिए हम कोशिश करते रहेंगे हमारा जो काम है वो काम और भी अच्छे से करने के लिए, जो करना चाहिए वैसे हम करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दादा का कि आपने समय निकाला। नमस्ते, धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपा सारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र ₹125 प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा ₹200 प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा, और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट।
गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कॉमिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो, हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल, हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव।